सर कभी चॉइस आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सर। ये जो चार जजों ने एकदम आकर आज भारत को आजाद हुए लगभग 70-72 साल हो गए हैं, आज तक पहली बार ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजों ने आके अपना मुंह खोला है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए ये पहली बार नहीं, इससे पहले जस्टिस कर्नन भी इस देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में अपनी आवाज को उठा चुके हैं, कह चुके हैं। दुर्भाग्य है कि उनकी बात को सुना नहीं गया, उन्हें जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो शायद गरीब समाज से ताल्लुक रखते थे, देश के दलित समाज से वो थे, इसलिए उनकी आवाज़ को सुनने की बजाय उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि इस देश का सिस्टम जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें ये समस्याएं हैं। और आज उसी कड़ी में चार जजों ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सम्मानित जज हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिल्कुल समतुल्य हैं, चारों जजों ने आज एक बार फिर संयुक्त रूप से जुडिशरी सिस्टम को पूरे देश के सामने उजागर करने का एक साहसिक कार्य किया है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये देश के, भारत देश के एक एक नागरिक के लिए एक बहुत ही मतलब सोचने का विषय बन गया है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो गया है कि भारत का लोकतंत्र ही खतरे में पड़ने जा रहा है। तो ये जांच का विषय होना चाहिए। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं जजों ने, उस पर भारत की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन सभी मुद्दों पर जो जस्टिस कर्नन ने मुद्दे उठाए थे उन पर भी अब एक नई सिरे से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कानून के दायरे में, भारत के संविधान के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई करके सरकार को एक सही संदेश देना चाहिए, जिससे कि जो भी गलतियाँ इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हो रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, उनको रोका जा सके और एक नई दिशा देश को दी जा सके।